ये देखो यहाँ से ये वैली है और यहाँ बहुत तेज हवा आ रही है, एकदम हाथ ऐसे सुन हो गए। और सामने जो बर्फ दिखाई दे रही है ना, वहाँ से वो ऊपर चोटियों से पूरी बर्फ पिघल के, ये देखो ये नदी आगे जाके नदी में मिल जाएगी, एक तरह से नदी की उत्पत्ति है ये। सामने लिखा है आई एम एट जोजिला, यहाँ से जोजिला स्टार्ट होता है, जोजिला वार मेमोरियल देख लीजिए। और अब हम चल रहे हैं, जब आप कारगिल की तरफ से आते हो तो ये जो पॉइंट है वार मेमोरियल, या फिर ये जो आप टाइलें देख रहे हो नीचे रोड पे, ये एक तरह से जोजिला की पहचान है। यहाँ से आप मान लीजिए कि जोजिला स्टार्ट हो गया है, द माइटी जोजिला। तो इस वीडियो में मैं आज आपको द माइटी जोजिला कंप्लीट दिखाने वाला हूँ। थोड़ा सा डेंजरस है क्योंकि अभी हम पीछे जहाँ से आए वहाँ बहुत तेज़ धूप खिली हुई थी, और यहाँ कंप्लीट मतलब धूप का तो नामो निशान नहीं है, और ठंडी हवा इतनी कि मैंने ग्लव्स एक बार निकाला था सिर्फ कैमरा ऑन करने के लिए, और भाई हाथ पूरी तरह सुन्न हो गया। और यहाँ पर बड़ी तेज़ी से बीआरओ अपना काम कर रहा है, क्या करने के लिए, टनल बनाने के लिए। सामने बोर्ड भी लगा है, जोजिला टनल वेंटिलेशन शाफ्ट यहाँ पर बनेगी, वेंटिलेशन शाफ्ट। तो यहाँ अगले आने वाले 5-7 साल में जितना भी टाइम लगेगा टनल बन जाएगी, उसके बाद ये जो रोड है पूरे 12 महीने ओपन रहेगा। अभी जोजिला सर्दियों में कम्प्लीटली बंद हो जाता है, यहाँ 10-10, 20-20 फुट बर्फ़ रहती है। तो जो श्रीनगर कारगिल हाईवे है वो भाई एकदम से मतलब कारगिल जो है वो कट जाता है श्रीनगर से, इसी वजह से आर्मी का राशन वासन पहुँचाने में भी और इमरजेंसी के टाइम में भी बड़ी दिक्कत आती है। तो जोजिला की हम लोग धीरे धीरे चढ़ाई शुरू कर रहे हैं, और जब ऊपर पहुँचेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा एकदम जोजिला टॉप। ये बाकी आप देख लीजिए चारों तरफ से, यहाँ से बर्फ़ स्टार्ट हो रही है, जो पहाड़ियों पे जो आपको स्नो दिख रही है, स्नो माउंटेंस, बाकी कहीं नहीं दिखेंगी। जोजिला पे पूरी माउंटेंस हमेशा ऐसी दिखेंगी, सर्दी होगी तो बहुत ज़्यादा दिखेगी, गर्मी होगी तो थोड़ी कम दिखेगी। इसके अलावा इस समय कहीं भी बर्फ़ नहीं है। तो वहाँ से मैंने आपको दिखाया जोजिला स्टार्ट हो गया, और ये आप यहाँ जोजिला पास लिखा है और ये गेट बना दिया है, तो ये एक्चुअली ये फ़ोटो वोटो खिंचाने के लिए आप कर सकते हैं। ऊपर लिखा है थैंक्स फॉर योर विजिट, यू आर एट जोजिला एल्टीट्यूड 11,649 फीट, यहाँ की हाइट है। अभी हमको 3,000 फीट लगभग और ऊपर जाना है, यानी कि 3,500 मीटर है, तो आप लगा लीजिए कितना होगा। हाँ इतना ही होता है। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1 बजे हैं। दोपहर में आने का एक फ़ायदा और एक नुकसान है। वैसे मेरी राय है आप जब भी आओ 11 बजे के बाद ही आपको जोजिला पे पहुंचना चाहिए, उससे स्पेशली अगर आप बाइक पर हैं तो। उससे क्या होगा कि ये जो आप पानी देख रहे हैं ना रोड पे, ये मेल्ट हो जाएगा, बर्फ़ होती है एक्चुअली ये। अगर आप यहाँ सुबह सुबह आ गए ना तो ये ब्लैक आइस होती है, आपको कुछ दिखेगा नहीं, और आप इसके ऊपर 100% स्लिप होंगे ही होंगे। पूरे जोजिला पे ये ऐसे ही हालत में रहता है, इसलिए धूप निकलने के बाद जब आओगे तो आपको सिर्फ ये पानी मिलेगा, ताकि पानी में से तो आप आराम से निकल सकते हो, बर्फ़ में आपको प्रॉब्लम होगी। तो हम बहुत सही टाइम पर आए हैं। इधर लेफ़्ट साइड में आप अगर देखेंगे तो ये भाई यहाँ पर एक तरह से टूरिस्ट के लिए पिकनिक स्पॉट टाइप का है, जो लोग स्पेशली फैमिली के साथ आते हैं वो तो यहाँ रुकते ही हैं। यहाँ काफ़ी चीज़ें हैं आपके लिए, यहाँ पर ये ढाबे वाबे हैं, यहाँ कुछ खा पी सकते हो, और वहाँ स्नो स्कूटर हैं, तो उसके ऊपर आप स्नो स्कूटर पे बैठ के और आगे थोड़ा ऊपर बर्फ़ का आनंद लेके आ सकते हो। यहाँ 12 महीने इतनी बर्फ़ मिलती है कि आप स्नो स्कूटर यूज कर सको। तो यहाँ पर आप ट्रैफिक देख लीजिए, बच्चे बच्चे साथ हैं तो बहुत सही जगह है थोड़ी देर रुकने के लिए, घंटा भर आप रुक सकते हैं यहाँ पर। अभी ये जून का महीना है और इसलिए ये पीक सीज़न होता है यहाँ पर, श्रीनगर कारगिल की तरफ जो ये रोड है इस पे ये पीक सीज़न है, ट्रैफिक बहुत होता है। तो आप ये देख लो ट्रैफिक, देख रहे हो कैसे लाइन लगा के गाड़ियाँ आ रही, भाई साहब मेरे आगे भी जा रही हैं, पीछे भी लाइन है, और दूसरी साइड से भी देख लो। ये जितना भी पानी आप देख रहे हो नीचे, जिसको हम अभी क्रॉस कर रहे हैं, सुबह 6-7 बजे अगर आ गए तो ये आपको बर्फ़ मिलेगी, पानी नहीं होगा यहाँ पे। तो बाइक पे तो भूल के भी मत आ जाना।
पहले के ज़माने में, यानी कि लगभग 10 साल पहले 2012 में मैं यहाँ आया था सबसे पहली बार, तब यहाँ पर कच्चा था ये जो जिला पास मिट्टी का बना हुआ है, इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा डेंजरस मानते हैं। तब यहाँ पर ये टाइलें नहीं थी जो आप नीचे देख रहे हो, मिट्टी उड़ती थी बहुत ज़्यादा, और उसको मिट्टी का बड़ा फिसलने का खतरा रहता था। बहुत आराम से बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर ये लैंडस्लाइड वगैरह होती थी, इसलिए बहुत डेंजरस मानते थे इसको। अभी भी काफ़ी ऊंचा पास है, बहुत सावधानी की ज़रूरत है, लेकिन अभी कम से कम ये हो गया कि हम 30 की स्पीड पे चल पा रहे हैं। ये टाइलें बिछा दी, रोड काफ़ी चौड़ा कर दिया, दो गाड़ियां बड़े आराम से निकल रही हैं। फुल स्नो है भाई साहब, फुल स्नो। और ये देखो इधर लेफ्ट में दिखाओ, धंस गया है पूरा। ये जो आप देख रहे हो इस साइड नीचे की तरफ जो बर्फ़ फेंकी हुई है, ये सारी बर्फ़ इस रोड पे होती है, इसको मशीन से हटा के नीचे की तरफ ढकेला गया है। बहुत ऊंची ऊंची दीवारें बन जाती है बर्फ़ की। ये भाई कैसे चट्टान काट के बीच में, ये देखो दरवाज़ा, गेटवे ऑफ लद्दाख ना, गेटवे ऑफ जो जिला, क्या चट्टान काट के बीच में रास्ता बनाया यार। सामने वाली चट्टान देखो, क्या ज़बरदस्त भाई, बहुत ज़बरदस्त यार, एकदम ऐसे खड़ी हैं, ऐसे डंडी सी बन के, ज़बरदस्त चीज़ है भाई, खतरनाक तो है वो। आगे आप रास्ता देख रहे हैं घुमावदार, कहाँ से कहाँ उतर के चढ़ के फिर कहाँ कहाँ जाना है। गाड़ियाँ दिख रही हैं उधर, दिखा ना वो नीचे वाली गाड़ियाँ, देखो वहाँ जाना हमको टॉप पे होते हुए, और वहाँ तक पहुँचने में हमें 15-20 मिनट लगेंगे। और ये बोर्ड आ गया देखो, ये एक तरह से वो है, क्या फोटो पॉइंट है ये, एक तरह से लैंडमार्क कह सकते हो। उसमें लिखा है आई लव जोजिला, तो वो फ़ोटो मैं डाल रहा हूँ। ये फ़ोटो मैंने कल जाते हुए ले ली थी, यहाँ से सुबह सुबह निकल गया था मैं, तो भीड़ इतनी नहीं थी यहाँ। आप आओ तो ये फ़ोटो ले लेना। ये देखो भाई, ये कोर गेट आ गया है, 3,500 मीटर की ऊँचाई पर, क्या काम किया है बीआरओ ने, इतना ख़तरनाक जोजिला, अलमाइटी जोजिला, और इसको क्या आसान बना दिया। दो दो गाड़ियां निकल जाती एक साथ में, इतना चौड़ा रोड। वो जो एकदम नीचे बहुत सारे टेंट और कैंप्स लगे हुए हैं जो आपको बिल्कुल नहीं दिख रहे होंगे वैसे, तो वो बालटाल है, जो बालटाल बेस कैंप। यहाँ से हम ऊपर उधर जाएंगे तो अमरनाथ चले जाते हैं। अमरनाथ जाने के दो रास्ते हैं, जिसमें से एक रास्ता ये है बालटाल। तो जब अमरनाथ जाना है तो नीचे वहीं रुक जाओ बालटाल, कारगिल जाना है तो ये जोजिला चढ़ के ऊपर आ जाओ। वहाँ मेडिकल चेकअप होता है, सब कुछ ओके होता है, इससे आगे गाड़ियाँ नहीं जाती, गाड़ियाँ काफ़ी पीछे रुक जाती हैं, और यहाँ से फिर यात्रियों को पैदल जाना पड़ता है। देखो ऊपर बर्फ़ देखो, ये पूरी की पूरी पिघल के नीचे आ रही है, लेकिन धीरे धीरे पिघलती है क्योंकि यहाँ उतनी धूप नहीं निकलती है, धूप यहाँ कम है। और देखो यहाँ भाई कितना डेंजरस है, पूरा नीचे जा रहा है ये पानी, अरे रे 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 रे। लेकिन धन्यवाद भाई बीआरओ, बहुत भारी बर्फ़ हटाई है इन्होंने, जो नीचे भरी पड़ी है ना ये सारी रास्ते से हटा के नीचे फेंकी है, और हम आराम से निकल गए। रोड़े वोड़े डाल देते हैं गड्ढे से बचाने के लिए बाइक वालों को। वो गिरी अभी अभी, इसमें से बर्फ़ गिरी नीचे आके, और अब हम नीचे उतर रहे हैं। बहुत खड़ी ढलान है, मैं सिर्फ दूसरे गियर में उतार रहा हूँ, कभी कभी पहला गियर भी उतार लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप बड़े गियर में बाइक उतारोगे तो ब्रेक के सहारे उतारनी पड़ती है, उससे ब्रेक गर्म होके ब्रेक से चिपकने का डर होता है, इसलिए मैं गियर पे जो है बाइक उतार रहा हूँ, ब्रेक नहीं लगा रहा हूँ। तो आप ये देखो एकदम खड़ी ढलान है, ऑलमोस्ट बस नीचे पहुँचने वाले हम लोग। टाइल बहुत मज़बूत लगाई है, थोड़ी सी बीच बीच में थोड़ी सी टूट फूट तो गई है, बट रोड से बेटर है, बहुत खड़ी ढलान है। हम लोग ऑलमोस्ट काफ़ी नीचे आ गए, और यहाँ पर कीचड़ मिलने की संभावना भी है, क्योंकि ये मिट्टी है दोनों तरफ, आप देख रहे हो कितना कच्चा है ये पास, और मिट्टी बह बह के नीचे आ रही है। और ये देख लो आप, इस साइड से पहला
गेट ये पूरा मिट्टी का है। देखो कितने, देखो आप क्लोजली देखो, ये मिट्टी मिट्टी भाई, इसके खिसकने का बहुत डर रहता है। और यहाँ पर हमें ऊपर से थोड़ा सा पानी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। यही मिट्टी नीचे जाएगी जब हम एकदम नीचे उतर जाएंगे, और ये पानी तो नीचे थोड़ा कीचड़ मिलेगा हमें। भाई यहाँ पर फिसलन वाला कीचड़ है, पानी भरा हुआ है। अच्छी बात यह है कि हमारी बाइक तो किनारे किनारे से निकल ही जाएगी। ओहो यहाँ तो ना निकलेगी, नीचे उतारनी पड़ेगी। यहाँ पर यार थोड़ा सा क्लिच कुलिच दबा दो ना तो बाइक पूरी फिसलने का डर रहता है, काफ़ी दूर तक है ये। और ट्रैफिक इतना है ना, जाते टाइम तो नहीं पता चला था क्योंकि ट्रैफिक नहीं था, दूसरी साइड भी नहीं ले पाते। दूसरी साइड लेने की जगह हो ना तो उधर से तो फिर भी थोड़ा सूखा सा है। निकल गए। क्लिच दब का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्लिच दबा दी, ब्रेक लगा दिया, स्लिप होएगी ही होएगी बाइक। देख रहे हो जाम, देख रहे हो भाई जो जिला पे ये हाल है, श्रीनगर का तो क्या ही हाल होगा। जो जिला से नीचे आ गए हैं भाई, ये देख लो ये रास्ता है, यहाँ से जो जिला से नीचे आ गया हूँ। और आपको मैं बताऊँ जो जिला से नीचे आने की क्या पहचान है कि ये पेड़ शुरू हो जाते हैं। पीछे आपने जो जिला की उस साइड देखे होंगे सूखी पहाड़ियाँ थी, और आप इधर देखो, अब यहाँ से श्रीनगर तक एक से एक सीनेरिक ब्यूटी देखने को मिलेगी, एकदम ग्रीन हरे पहाड़ हो गए। पीछे हरे पहाड़ नहीं थे, तो जो जिला पर थोड़ा बहुत जाम था गाड़ी वालों के लिए, बाइक वालों को कोई दिक्कत नहीं है। हम जो जिला से नीचे आ चुके हैं, 3500 मीटर ऊपर से नीचे आ चुके हैं। तो अब हम जाएंगे श्रीनगर और आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू गाइस, बाय बाय, स्टे सेफ़।